यस उड़ीपी 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 मजा करेंगे मजा करेंगे। क्या बात है। तो हम लोग आ गए उड़ीपी की सड़कों पे। थैंक यू। चलो तो गाइस हम लोग आ गए हैं कापू बीच। नाउ वी आर गोइंग टू सी लाइट हाउस। ये कापू बीच उडुपी सिटी से आधा घंटा दूर है। हमारे रिक्शा में अभी 280 रुपीस हुए और मेरा आवाज़ थोड़ा चेंज हो गया है, पता नहीं क्यों, तो थोड़ा देख लेना। एकदम फुल फ्लो है आज तो पानी का। ओ हो, क्या बात है, मेरी आंखों के सामने है। देखो जरा। ये है कापू बीच का लाइट हाउस। ये यहाँ पे खास मुझे यहाँ पे आना था, इसके लिए ही मैंने उडुपी में आने का प्लान किया था और हम लोग यहाँ पे आ गए। ये यहाँ पे लाइट हाउस है और ये एक व्यू है, एक साफ सुथरा बीच किसे कहते हैं वो बताता हूँ। रास्ता है जो दूसरे बीच की तरफ जाता है। ये लाइट हाउस के बारे में कुछ बता दूं, ये 1901 में बना था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। ये अरेबियन सी है यहाँ पे, तो कोई रास्ता भटक रहा है या कुछ हो तो उसके लिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। और पहले यहाँ पे ऊपर जाने देते थे पर इसके बाद लॉकडाउन के बाद बंद ही हो गया, अभी ऊपर जाने नहीं देते। और ये उडुपी सिटी से कम 13-14 किलोमीटर दूर है। हम लोग को आधा घंटा लगा रिक्शा में। बीच के लाइट हाउस को तो देख लिया, अभी
मैं इतना ऐसे घाई में आया था ना कि मैंने बीच को एंजॉय नहीं किया, कोई देखा ही नहीं, सीधा बीच में आके लाइट हाउस की तरफ भागा था। तो अभी जो चाहिए था वो ले लिया, मज़ा आया। अब ये बीच देखो, ये है कापू बीच, मज़ा आया। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आगे के व्लॉग में जल्दी मिलेंगे। चलो बाय।